बादियों नज़र में ये खिताब पेशावर में बैठे एक शख्स वो शख्स या उनके जो हरीफ हैं इमरान खान साहब उनके लिए लगता है। और इस खिताब में इमरान खान साहब का वो जो 6 दिन का अल्टीमेटम था उसके बहुत से जवाबात दिए गए हैं। जहाँ पे ये जवाबात दिए गए हैं वहाँ पर जिस वक्त खिताब कर रहे थे इस खिताब में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें उस वक्त वहाँ पर हो रही थी उनके रूम में, वो आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों बिल्कुल खैर वाफ़िद के साथ हों। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब देखा और इस खिताब को आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस खिताब में उनके पॉलिसी मौक़ को वाज़ कर रही हैं, लेकिन उस तरफ बाद में जाएँगे। पहले उनके खिताब में वो पॉइंटर्स, वो चीज़ें जो हमने नोट की आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो इस खिताब में 9 बजे इस खिताब ने शुरू होना था और तमाम तरफ इसका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद 10:55 2 घंटे ताखीर से ये रिकॉर्डेड खिताब, एडिटेड खिताब जो है वो हमें देखने को मिला। मे बी इसकी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको क्लिप किया जा रहा होगा या उसको कटिंग की जा रही होगी। इस खिताब को लेट क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो ज़ाहिर है कुछ देर बाद सामने आएंगी। बहरहाल कॉन्शियस थे वज़ीर आज़म इस खिताब को करते वक्त। जब वो खिताब कर रहे थे तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो ख़ुद काफ़ी कन्फ्यूज़ नज़र आए बहुत सी जगहों पर, और उसकी एक बड़ी वजह थी कि वो टेली प्रॉम्प्टर पढ़ रहे थे। हम न्यूज़ एंकर्स अक्सर न्यूज़ स्टूडियो में जब टेली प्रॉम्प्टर्स को पढ़ रहे होते हैं किसी खबरों के लिए, सो हम यूज़ टू हैं और बहुत अरसे तक इन चीज़ों के साथ चल रहे होते हैं, तो हमें मुझे ये वाज़ अंदाज़ा हो रहा था कि टेली प्रॉम्प्टर को पढ़ना किसी ऐसे बंदे के लिए जिसने पहली दफ़ा देखा हो या उस पर अपनी एक्सरसाइज की हो तो उनके लिए खासा मुश्किल था। तो स्क्रिप्टेड तकरीर करने का जो एक इल्ज़ाम है हमेशा इन पर रहा वो हमें सामने नज़र आया। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ जो इस खिताब में वो बार बार इमरान खान को उन्होंने काफ़ी जगहों पर हिट किया लेकिन नाम नहीं लिया और कहा कि किसी शख्स ने और इमरान खान के नाम को कोई एक शख्स ने ऐसा किया और एक शख्स ने मुल्क में जो है वो परेशान की सूरत हाल, इस तरह से वो बयान देते रहे। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि इनके खिताब में जो इनकी स्पीड थी वो हमें खासी स्लो नज़र आई, क्योंकि शहबाज स्पीड इनका नाम है बहुत से काम करने में, लेकिन आज की तकरीर में वो काफ़ी जगहों पर रुक रुक कर पढ़ रहे थे और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये है कि वो प्रॉम्प्टर से खिताब को दे रहे थे। इस खिताब में जो ओवरऑल अगर मैं इसमें कुछ चीज़ों पर पॉइंट ऑफ करूँ तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था इस गवर्नमेंट को, इस खिताब ने उस चीज़ को भी बहुत क्लियर कर दिया है कि अब शायद वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और 2023 में जो इलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है। तो आज का जो खिताब है वो सबसे पहले तो इस पॉलिसी को अनाउंस कर गया। बज़ाहिर उन्होंने खिताब में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन इसमें उनकी इस बयान से बड़ा वाज़े हो गया कि इलेक्शन जो है वो एटलीस्ट आज कल में नहीं होने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें जो इस खिताब में थी जिसमें पहली बात उन्होंने अपनी फॉरन पॉलिसी का टिल्ट वाज़े किया कि ये गवर्नमेंट जो है कश्मीर के जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया था उस पर उन्होंने क्लियर स्टांस लिया और ये कहा कि हम इस चीज़ के बाद भारत से दूसरे मामलों पर बात करने को तैयार हैं और भारत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो फॉरेन पॉलिसी क्लियर होती है उनकी यहाँ पर। इसके साथ साथ उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया जो कि 28 अरब रुपये का था, बहुत से खानदानों को रिलीफ मिलेगा। आटा जो है 700 रुपये मिल रहा था 10 किलो का फी थैला, उसको उन्होंने 400 रुपये का कहा कि अगले बजट तक भी हम इसको रिलीफ में डालेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, उनको 2000 महाना रिलीफ बढ़ाया गया और ये कहा है कि पेट्रोल की कीमतों को हम कंपनसेट करेंगे, तो टारगेटेड सब्सिडी की उन्होंने बात की है। इसके बाद उन्होंने अपने खिताब के लास्ट में कुछ अकवाले ज़रिए बोले जिसमें मुशावरत की पॉलिसी की बात की दावत दी गई, बैठ के बात करने की दावत दी गई, ये कहा गया कि इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करें, तनकीद को बर्दाश्त करें, एक दूसरे के खिलाफ ऐसी बात ना करें जिससे इश्तियाल फैले, तो कुछ ऐसे अकवाले ज़रिए जो हैं हमें उनके लास्ट खिताब में नज़र आए। इस सारे खिताब के बाद एक चीज़ उन्होंने कहा कि मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का, इसका मतलब है बड़े बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बड़े क्लियर हैं कि इस मुल्क को इस बहरानों से निकाल लेंगे। सफारती ख़त के हवाले से उन्होंने बड़े वाज़े मौक़िफ़ दिया अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कि मुदाखलत थी। उन्होंने कहा कि 2 दफ़ा जो नेशनल सिक्योरिटी हमारी कमेटी के अजलास हुए थे उसमें 2 दफ़ा वाज़े तौर पर कहा गया कि ऐसी कोई साजिश नहीं हुई थी। सो उनके इस खिताब में पोलिटिकल चीज़ें भी, उनका इकनॉमिक स्टांस भी, आने वाले दिनों में उनकी गवर्नमेंट के स्टांसेस भी बड़े क्लियर हो गए। जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था उनके पहले खिताब में जो कि पहली दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला खिताब उन्होंने कौम से किया, इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इस बात में क्लियर होना था कि उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस क्या है। सोचा आपसे शेयर करें, कुछ वो चीज़ें तो साइडलाइन चल रही थी और उनके खिताब के साथ जो और चीज़ें मुंसलिक हैं जो इस वक्त बहुत क्लियर हो चुकी हैं। अपना रखें बहुत सा ख्याल और देखते रहें यार व्यूज़।